धरती पर मौजूद जीने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से अहम किरदार है पानी का। इंसान बिना खाने के तो कुछ समय जिंदा रह लेगा, पर बिना पानी के तो एक पल भी निकलना नामुमकिन है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जल ही जीवन है। लेकिन जब जीवन देने वाला यही जल बेकाबू होकर अपने विकराल रूप में आता है तो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तहस नहस कर देता है। लेकिन ये सब जानते हुए भी दुनिया भर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें जल का संरक्षण करना ही पड़ता है और धरती पर विशालकाय डैम्स का निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है पानी का एकदम सही उपयोग करने का, जिसमें एग्रीकल्चर शहरों में पानी की सप्लाई और बिजली उत्पादन जैसे कई अहम काम किए जाते हैं। और ठीक इसी बीच जब इन डैम्स का निर्माण किया जाता है तो एक खतरा हमेशा से ही बना रहता है, वो है किसी तरह इन डैम्स के फेल होने का खतरा। क्योंकि अगर यह सही तरीके से न बना तो ये पूरे के पूरे शहर को चंद मिनटों में ही तबाह करके रख देगा। और इंजीनियर्स चाहे कितने भी सावधानी से काम क्यों न कर लें, लेकिन एक छोटी सी गलती और सब तब्दील हो जाएगा तबाही के समुद्र में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक डैम्स और उनके काम करने के तरीकों पर। नंबर 5, जिनपिंग वन डैम, चाइना, जिसे जाना जाता है डैम्स के देश के नाम से भी। यहाँ पर करीब 87,000 बड़े डैम्स मौजूद हैं, जो संख्या में किसी भी कंट्री में बने डैम से कई गुना ज्यादा है। इन्हीं में से एक डैम है जिनपिंग वन, जिसे एक आर्च के शेप में बनाया गया है। सिर्फ चाइना का ही नहीं बल्कि ये डैम पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा डैम है। $4 बिलियन खर्च कर बनाए गए इस डैम की लंबाई 310 मीटर यानी कि करीब 1,020 फीट है, जिसे साउथ ईस्ट एशिया की लार्जेस्ट रिवर मेकोंग पर बनाया गया है, जो कि कई बड़े देशों से होकर गुजरती है। इस डैम का आकार इतना बड़ा है कि इस पर 60 मिलियन लोगों की जिंदगी पूरी तरह से निर्भर करती है और ये चाइना के काफी बड़े हिस्से को बिजली पहुंचाने का काम भी करता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये डैम काफी खतरनाक है। रिसर्चर्स हमेशा से ही इसकी मजबूती को लेकर कई सवाल खड़े करते आए हैं। उनका कहना है कि ये किसी तरह की एक जिंदा बम की तरह है जो किसी भी समय फट सकता है, और अगर गलती से ऐसा हो जाता है तो ये कितना बड़ा नुकसान करेगा इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। नंबर 4, मोसल डैम। जब बात हो रही हो खतरनाक डैम्स की तो ऐसे में इराक में बने इस डैम का जिक्र न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो इसे किसी बड़े हादसे को जन्म देने के लिए ही बनाया गया हो। इस डैम का निर्माण 1986 में सद्दाम हुसैन के समय में किया गया था, जिसे एक तरह की कच्ची मिट्टी के ऊपर बनाया गया है जो कि पानी के संपर्क में आते ही उसमें घुलने लगती है, जिसकी वजह से इस डैम को लगातार संभाले रखने के लिए यहाँ पर 24 घंटे रिपेयर का काम बिना रुके चलता ही रहता है। और सोने पर सुहागा डैम्स के अचानक से फेल होने पर उससे निकलने वाली पानी को रोकने के लिए जो इमरजेंसी रिलीफ डैम बनाया जाता है उसका काम भी यहाँ आज तक कभी पूरा न हो सका। मतलब साफ है कि जिस भी दिन ये डैम टूटेगा तो ये अपने साथ कई लाखों करोड़ों की जान भी ले डूबेगा। इसी के साथ इस डैम पर लगातार ISIS के टेररिस्ट ग्रुप के हमले का भी डर लगातार बना रहता है। नंबर 3, न्यूरेक डैम। ये डैम मौजूद है ताजिकिस्तान में, जो कि चाइना के जिनपिंग वन डैम के बनने से पहले दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा डैम था, और आज भी ये चाइना के उस जिनपिंग वन डैम की ऊंचाई से सिर्फ 5 मीटर ही छोटा है। पूरे ताजिकिस्तान की 70% तक बिजली इस डैम से ही पैदा की जाती है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इस डैम को जिस जगह पर बनाया गया है वहाँ पर बड़े पैमाने पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के इंजीनियर्स का कहना है कि हमने इस डैम का निर्माण कुछ इस तरह से किया है कि बड़े से बड़ा भूकंप भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उम्मीद है कि उनका ये दावा सच ही निकले, क्योंकि अगर ऐसा न हुआ तो ये डैम इस देश के लिए जो तबाही लेकर आएगा वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। नंबर 2, थ्री गॉर्जेस डैम। दुनिया में मौजूद ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, जो कि 2.3 किलोमीटर चौड़ा है। ये डैम इतना बड़ा है कि कहा जाता है कि इसके निर्माण से धरती की रोटेशन की गति में भी कमी आई है। 2006 में इस डैम के बनने के बाद से इससे जुड़ी कई अटकलें लगातार सामने आती रही हैं। कहा जाता है कि इसने यहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट पर बुरा असर डाला है। इसकी वजह से यहाँ के एरिया में लैंडस्लाइड्स के साथ भूकंप भी आते रहते हैं। लोगों का कहना है कि 2008 में चाइना में आए एक भयानक भूकंप जिसमें करीब 87,000 लोगों की जान गई थी, उसके पीछे का कारण भी यही डैम ही था। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट ने इस बात को कई सिरे से नकार दिया था, और हाल ही में कुछ सालों में ये डैम काफी खतरनाक तरीके से कई बार खतरे के निशान से ऊपर बहता भी देखा गया है। पर हाँ, इस डैम ने चाइना में बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कोल की खपत को काफी भारी मात्रा में कम कर दिया है। नंबर 1, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम। अभी तक तो मैंने आपको डैम्स और उनके टूटने से जुड़े खतरों के बारे में बताया, लेकिन क्या कभी सच में कोई डैम फेल हो सकता है? तो आपको बता दूं कि सिर्फ एक बार नहीं बल्कि इतिहास में ऐसे दर्दनाक हादसे कई बार हो चुके हैं, और ऐसा ही एक हादसा हुआ था इटली के इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम में, जिसमें न जाने कितने ही लोगों की जान भी चली गई थी। वहां के स्थानीय लोगों के मना करने के बावजूद भी सभी खतरों को नजरअंदाज करते हुए इस डैम को बना दिया गया था। स्टार्टिंग में थोड़े समय तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद पास की बड़ी चट्टान
लाइनें इस डैम में टूटकर गिरने लगी, जिसकी वजह से इसका वाटर लेवल धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। और एक दिन वही हुआ जिसका सबको डर था, पहाड़ का काफी बड़ा हिस्सा टूटकर इस डैम में जा गिरता है, जिससे इसके अंदर एक सुनामी पैदा होती है और वो इस डैम को पार करते हुए इसके आसपास सभी गांव को डुबा देती है और वहां पर मौजूद सभी गांव वाले मारे जाते हैं। तो दोस्तों, देख लिया आपने कि कैसे नदियों के पानी को रोककर लोगों की बिजली और पानी की जरूरतों को पूरा करने वाला ये डैम कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन आज के इस तरक्की करते जमाने में इसके बिना गुजारा भी नहीं। बस उम्मीद है कि ये इंजीनियर्स इन्हें बनाते समय हर तरह की सावधानियों का ख्याल जरूर रखें, जिससे कि भविष्य में कोई हादसा न हो। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में, मुझे अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताना।